नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आए हैं डेरा सच्चा सौदा के फॉलोवर्स के बीच, जानते हैं आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। जी मैम, आपका क्या नाम है? डिंपल। आपको डेरा से जुड़े हुए कितने वर्ष हो गए? हमारे को डेरा से जुड़े हुए बहुत वर्ष हो गया है, 10 साल हो गया है। 10 साल काफ़ी लंबा टाइम होता है, तो क्या आप डेरा जाते रहे हो या फिर नहीं जाते? डेरा जाते रहे, अभी जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि गुरुजी अभी नहीं है समाज के बीच में, तो क्या दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं? तो गुरुजी हमारे बीच नहीं है, तो इसलिए हमें उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है। तो हमें गुरुजी को चाहते हैं अभी जल्दी जल्दी हमारे बीच आए, और जो हमारे समाज के बीच में बुराइयां हैं उनको वो ख़त्म कर सके जल्दी से जल्दी, क्योंकि उनकी कमी तो हमें हर पल महसूस होती रही है। जो दुनिया में नशा बढ़ रहा है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि गुरुजी ने बहुत मानवता भलाई के कार्य किए हैं और उसमें बहुत सारे नए नए सुधार भी किए हैं। और जो लोग नशों में लगे हुए थे उनको भी गुरुजी ने हटाकर और चंगे रास्ते के लगाया है, अच्छे रास्ते में लगाया है उनको। और गुरुजी ने जो वैश्यावृत्ति बहुत बढ़ रही थी उनको भी बहुत कम किया है। वैश्यावृत्ति बहुत ज़्यादा होने के कारण गुरुजी ने बहुत उनको शिक्षा दी है कि वैश्यावृत्ति को छोड़ कर अच्छे कामों में लग जाओ आप। आपका आज के समय में गुरुजी पे कितना विश्वास है? हमारा आज के समय में गुरुजी के बहुत विश्वास है। गुरुजी इतना विश्वास होने का क्या कारण है? क्या दिया है गुरुजी ने आपको जो इतना विश्वास है आज के समय में भी? इतना विश्वास होने का कारण हमें यह है कि गुरुजी ने हमें बहुत कुछ दिया है। गुरुजी ने हमें कोई कमी नहीं छोड़ी है, जो हम कुछ चाहते हैं हमने बहुत कुछ दिया है गुरुजी ने। गुरुजी ने कोई भी किसी प्रकार की कमी हमारे घरों में नहीं छोड़ी है। अगर गुरुजी समाज के बीच में आ जाएं तो आने वाले जो सुधार हैं वो किस तरीके से होंगे? अगर गुरुजी हमारे बीच में आ जाते हैं तो बहुत सारे सुधार हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ गंदगी पड़ी होती है, गुरुजी वहाँ भी बहुत अच्छे सुधार करते हैं, सफाई की करवाते हैं, बहुत गंदे नाले वगैरह सब साफ करवाते हैं, उसमें अच्छे अच्छे सभी को शिक्षा देते हैं, सफाई रखा करो आप। तो अभी गुरुजी समाज के बीच में नहीं है, तो किस तरीके के दुष्परिणाम जो हैं समाज के बीच में देखने को मिल रहे हैं इसके? अब हम देख रहे हैं गुरुजी की हमें कमी तो महसूस हो ही रही है हर पल, तो दुष्परिणाम भी हमें बहुत देखने को मिल रहे हैं। हम यही चाहते हैं अभी गुरुजी हमारे बीच जल्दी जल्दी आए और जो ये दुष्परिणाम है उनको ख़त्म कर दे और हमारे को और भी अच्छी शिक्षा के लायक बना दें। गुरुजी पे जो आरोप लगाए गए हैं क्या कहना चाहोगे? गुरुजी के पर जो आरोप लगाए हैं वो सभी गलत है, क्यों? गुरुजी ने तो मानवता भलाई की कार्य किए हैं, इसलिए उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसको अस्वीकार किया जाए, स्वीकार न किया जाए। मीडिया में काफ़ी कुछ गलत दिखाया गया था, कितनी प्रतिशत सच्चाई है उसमें? मीडिया में तो बहुत कुछ गलत दिखाया गया था, पर गुरुजी ने जो कार्य किए सभी सही किए हैं, और वो मीडिया वालों ने वो झूठी अफवाह फैलाई थी उन्होंने गलत किया है, मीडिया वालों ने सब कुछ गलत दिखाया लोगों को।